हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर पीती सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ ड्राई स्किन ड्राई स्किन के बारे में आज हम जानेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है या हम ड्राई स्किन से कैसे बच सकते हैं वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्राई स्किन इज डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड इज यूजली मार्ग बाय स्केलिंग इचिंग एंड क्रैकिंग ड्राई स्किन ऑकर्स वैन स्किन डजन रिटेन सफिशेंट मॉइस्चर एंड प्रोड्यूज लेस ऑफ सिवम दैन नॉर्मल स्किन Normally, lipids such as ceramides, cholesterol, fatty acids present in the stratum corneum, which retain moisture. एंड वाट इज स्टेटम कॉर्नियम स्टेटम कॉर्नियम क्या होता है जो हमारी ये आउटमोसलेयर आपको दिख रही है दिस इज द आउटर मोस्लेयर ऑफ स्किन एंड इट इज कॉल्ड स्टेटम कॉर्नियम सो ये यर्ज है स्किन की और जो आउटर मोस्लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चर रिटेन करने के लिए तो समटाइम्स इट लैक्स एडिकुएट अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर विच रिजल्ट इन एन इम्प्योर बैरियर फंक्शन इफ यूर फीलिंग योर स्किन इज ड्राई देन यू शुड बी मोक केयरफुल कैसे उसका ध्यान रखते हैं इसके रीज़न क्या होते हैं वट इज द रीजन बिहाइंड ड्राई स्किन तो इट बी एक्सटर्नल एंड इट बी इंटरनल एक्सटर्नल रीज़न्स क्या है एक्सटर्नल रीज़न्स बहुत सारे हैं जैसे वेदर आप कहीं बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में तो नहीं रहते हैं वेदर चेंज हो रहा है और बहुत फ्रिक्वेंट आप फेस वॉश तो नहीं करते हैं कहीं आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हो आप नहाने के लिए स्विमिंग इन क्लोरिनेटेड वाटर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन तो नहीं करते हैं या स्मोकिंग हैबिट तो नहीं है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट नहीं चूज़ कर रहे हैं आपकी स्किन ड्राई है बट प्रोडक्ट आपने किसी और टाइप के स्किन का आप यूज़ करो ये सारे एक्सटर्नल रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो सकती है और क्या आता है इंटरनल Internal. इंटरनली क्या होता है इंटरनली इट कुड बी जेनेटिक लाइक इनहेरिटेड अगर फैमिली में ये ड्राई स्किन है ही सबकी और पेरेंट्स की आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तो इट कुड बी नेचुरल ये आपकी भी हो सकती है हारमोनल इम्बैलेंस या बहुत सारे मेडिकेशंस चल रहे हैं हाँ आपके जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मेडिकल कंडीशंस हैं लाइक किडनी डिजीज किडनी डिजीज़ में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है डायबिटीज़ मिलाइटिस है और आपका हाइपोथॉरेडिज़म है कुछ और भी स्किन डिजीज़ होती हैं लाइक एक्जिमा और डर्मेटाइटिस एंड सोरियासिस इन सब में भी पैचेस में आपकी स्किन फुल बॉडी ये सिर्फ फेस पे नहीं आपकी ओवरऑल बॉडी में भी कहीं पर भी ड्राइनेस हो सकती है तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो सकती है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ड्राई स्किन एंड हाउ टू ट्रीट ड्राई स्किन फेस चूज़ अ हाइड्रेटिंग क्लेंजर इफ़ यू आर चूजिंग अ क्लिनजर विद मॉइस्चराइजर एंड फैटी एसिड्स लाइक सिरामाइड्स मिनरल ऑयल कोकोआ बटर ग्लिसरीन अगर ये सारी चीज़ें आपके क्लेंजर में आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर के लिए आपका एक गोल्डन रूल है जब भी हम नहा के आते हैं या शावर लेकर आते हैं तो शावर लेकर आने के बाद हम फेस पे आपका हल्का वेट रहता है वो पानी आप बहुत ज़्यादा क्लीन ना करके थोड़ा बहुत अगर है पानी या वेट है हमारा फ़ेस उस पर हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें अगर हम इस तरह से मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक हमारा मॉइस्चर लॉक हो जाता है हमारे फेस पे नेक्स्ट आपका जब भी आप सोने जाते हैं सोने के पहले मतलब बिफोर गोइंग टू तो योर बेड जस्ट अप्लाई लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र अगर आपकी एक्सेसिवली ड्राई स्किन है तो आप थ्री टाइम्स यूज कर सकते हैं अदरवाइज टू टाइम्स इज सफिशेंट नेक्स्ट आता है आपका कोई भी जो भी प्रोडक्ट है वो क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड होना चाहिए जेल बेस्ड बिल्कुल नहीं लेंगे ड्राई स्किन में सनस्क्रीन भी आपको उसी अकॉर्डिंग चूज करना है सिरम आता है जो हम सनस्क्रीन के पहले अप्लाई करते हैं सिरम भी हम यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से ड्राइनेस हो रही है तो प्लीज पहले आप रूल आउट करें रीजन एंड विजिट योर डॉक्टर अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो पहले उसका मेडिकेशन ज़रूरी है आपको किसी रीज़न की वजह से हो रहा है लाइक like, हाइपोथॉरेडिज़म या डायबिटीज़ में तो पहले वो सारी चीज़ें रूल आउट होनी चाहिए तो फर्स्ट हमने हाइड्रेटिंग क्लिनजर चूज़ किया देन मॉइस्चराइजर कैसे अप्लाई करना है वो बताया सिरम आप अप्लाई कर सकते हैं देन चूज़ वाइजली योर सनस्क्रीन बहुत सारे लोगों के हाथ हमेशा ड्राई होते रहते हैं तो प्लीज़ आपको फ्रिक्वेंट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना और अगर आप हाथ के लिए कोई मॉइस्चराइज़र आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें यूरिया का कॉम्पोजिशन ज़रूर देखें क्योंकि ये यूरिया आपके हैंड और फुट के लिए या फिर बॉडी के लिए यूरिया क्या करता है अगर किसी भी मॉइस्चराइज़र में प्रेजेंट है तो वो बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्ट रखता है बट फेस के लिए आप यूरिया मत देखें हाथ और पैरों के लिए मॉइस्चराइज़र में वो होना चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ जो आपको ड्राई फेस के लिए आपको देखना है सम इंग्रेडिएंट्स लाइक जोजोबा ऑयल एलोवेरा जेल ग्लिसरीन एंड आलमंड ऑयल कोकोनट ऑयल सोयाबीन ऑयल ऑलिव ऑयल ये सारी चीज़ें आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो आप उसमें ज़रूर चेक करें कोई भी मेडिसिन चल रही है जैसे किसी को सोरियासिस या एक्जिमा का इशू है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेडिसिन वो मॉइस्चराइज़र में ही मिक्स कर लेते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स अभी मेरा प्रीवियस वीडियो भी था कि ब्लेंडिंग किसी भी दो प्रोडक्ट को हम ब्लेंड करके लगा लें वो बेटर नहीं है तो आप प्लीज़ दवाइयों का बहुत सारे लोग जो दवा होती है उसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है तो और आप ऐसे भी वाइटामिन ई और ओमेगा थ्री फैटी एसिड कंज्यूम कर सकते हो वन मोर टिप फॉर जो हमारे फास्टिंग करते हैं या फिर जो ज़्यादा डाइट पे रहते हैं वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाइट पे रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फैट अवॉइड करते हैं बट फ्रेंड्स हमारी बॉडी को हर किसी चीज़ की नीड होती है तो आपको कुछ अमाउंट में जो हमारे गुड फैट होते हैं वो लेना चाहिए वेट लॉस में हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को क्या नीड है एक और मिथ होता है कि ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी तो फ्रेंड्स ये इट्स अ मिथ आपको हाइड्रेशन जो आपका प्रॉपर सिक्स टू एट ग्लासेस या एट टू टेन ग्लासेज वो दैट इज़ मैंडेटरी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी बट इट डजेंट मीन कि आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपकी स्किन उतनी ही मॉइस्ट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है डेली स्क्रबिंग की ड्राई स्किन पे भूल कर भी आप स्क्रब नहीं करना है क्योंकि ड्राई स्किन को आप और ज़्यादा उसको क्रैक्स उसको और डल नहीं बनाना है क्योंकि हमारी ऑलरेडी ड्राई स्किन है वो ऑलरेडी इरीटेटेड है और उसमें और ज़्यादा हम स्क्रबिंग करके स्क्रबिंग मीन्स खिसना आप अपने फेस को हल्का एक्सफोलिएट करते हो तो वो बिल्कुल नहीं करना है देयर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर योर ड्राई स्किन अवॉइड वार्म वाटर ऑलवेज यूज़ ल्यूक वार्म वाटर फॉर बेदिंग और नॉर्मल वाटर अवॉइड टू मच स्क्रबिंग ऑन योर फेस एंड अवॉय हीटर्स रूम हीटर्स यूज़ ह्यूमडिफायर्र्यर्स यूज़ फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा फ्रैगरेंस को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसमें बहुत अच्छी फ्रैगरेंस होती है हम वो प्रोडक्ट चूज़ करते हैं बट अवॉयड दैट थिंग कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी सम होम रेमेडीज़ जो आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं जैसे हम ड्राई स्किन के लिए बहुत सारे फेस पैक्स होते हैं और कुछ होम रेमेडीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बेनिफिशियल होते हैं स्किन के लिए जैसे हम बहुत सारे लोग अपने फ़ेस पैक में कर्ड यूज़ करते हैं कर्ड अच्छा भी होता है बट हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कर्ड का कौन सा पोर्शन हमें यूज़ करना चाहिए जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑलवेज़ यूज़ थिक पोर्शन ऑफ कर्ड हमें जो दही का पानी होता है वो अपने फेस पैक में या फिर हमें ऐसे ही स्किन पे नहीं यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट ग्लिसरीन ग्लिस्टरीन एक्ट एज अमिकटिन ह्यूमिकटिन क्या होता है जो हमें नेचुरली मॉइस्चराइज करता है तो ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फॉर ड्राई स्किन आप उसको ग्लिसरीन को आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके आप बॉटल में रख करके उसे स्टोर कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है आप ज़रूर इसको ट्राई करें और हम उससे अपना रिज़ल्ट शेयर करें बहुत सारे लोगों को स्पेशली इन रूरल एरियाज़ मस्टर्ड ऑयल पर बहुत ज़्यादा उनको फेथ होता है बट फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल फेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है वो कभी कभी इरीटेट करता है रैशेज़ भी हो जाते हैं मस्टर्ड ऑयल से मस्टर्ड ऑयल की जगह पे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं उसका पीएच जो होता है हमारे स्किन के पी के इक्वलेंट होता है तो ऑलवेज चूज़ कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी ड्राई स्किन के लिए सो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और जो भी मैंने होम रेमेडीज़ अभी तक शेयर की हैं आपको वो ज़रूर ट्राई करें और उसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के बेल आइकन पे जाकर ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू कैन वॉच माय अपकमिंग वीडियोस तक के लिए आप अपने स्किन का ख्याल रखें टेक केयर ऑफ योर ड्राई स्किन थैंक यू बाय